पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पर पंडित भयो ना। ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित। अब ढाई अक्षर ही क्यों लिखा, क्योंकि ढाई अक्षर की महिमा प्यारी महिमा अपरंपार है। जो लेगा कृष्ण नाम वो भव सागर से। ढाई अक्षर कौन सा है? कृष्ण, मात्र ढाई अक्षर का। अब वो प्रेममय अक्षर है, केवल उस प्रेममय अक्षर को जिसने धारण कर लिया, उस कृष्ण को जिसने अपने भीतर बिठा लिया, जिसने उस कृष्ण को अपने अंदर उतार लिया, फिर कृष्ण उसका हो गया। सुदामा जी कितने ठाट से आए थे, दरवाजे पर आए, आवाज लगाई, यही द्वारका नगरी में आकर द्वारपालों के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाकर सुदामा जी ने कहा था कि जाकर मेरे मित्र को कह दो, मेरे कृष्ण को कह दो। तो द्वारपालों ने कहा, तुम्हारा लगता कौन है, कौन है वो तुम्हारा? पैसे वाले को देखकर ना जाने कितने रिश्तेदार बन जाते हैं। चलो यहां से बाहर निकलो। नहीं नहीं, नहीं।